इसी जर्क बैठता है, वैसे अपसेट करता है, ये ऊपर की तरफ खींचता है। और इसके सेट भी मैन्युअली कर सकते हैं कंपनी वाले? लेकिन कुछ यूज के बाद अगर आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करते हो, इसी के लिए बनी है बाइक करते हो, तो इंजन थोड़ा हीट हो जाए या फिर ये सस्पेंशन का आज के बाद काम आ जाए साल के बाद। ऑयल रिप्लेसमेंट आता है जो मैंडेटरी है सर्विस के हिसाब से, मतलब ऑयल रिप्लेस करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। ये देखो बाइक एग्जॉस्ट, देखो नोट सुना दो भाई, एक्सलेट कर दो। इस तरह से नोट आप देख सकते हो रॉयल एनफील्ड का। ये कलर का नाम कौन सा है? आरपीएम दिखता है इसका? इसको कार्बन फाइबर लगा दो ना तो काफी ज्यादा जबरदस्त। ये वाले दो इसके ऑप्शन है यहाँ पे, आप यहाँ से रियर एबीएस ऑफ कर सकते हो। जैसे आप ऑफ रोड में गाड़ी चला रहे हो तो रियर एबीएस ऑफ होने वाला है। ABS ऑन ऑफ कर सकते हो? इको में ABS ऑन ऑफ कर सकते हो। स्पोर्ट और स्पोर्ट्स पे भी है क्या? परफॉर्मेंस वाला है, मतलब स्पोर्ट्स, हाँ, जो हाईवे पे आप चला सकते हो। हेलो भाई, मैं ओमकार। आज वो रॉयल एनफील्ड के शोरूम में आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो है वो रॉयल एनफील्ड का शोरूम। इस वक्त मैं जो उधमनगर कोल्हापुर में हूँ, पीछे चला जाता हूँ ना तो इस टाइप आप देख सकते हो रॉयल एनफील्ड का आपको देखने को मिलता है। अब सब कुछ डिटेल आपको बताऊंगा, सबसे बढ़िया बात डीलर से मिला देता हूँ। अब ये जो है वो हिमालय यहाँ पे है, हंटर 350 आता है। दूसरी बात है ये जो है वो गरेला 450 यहाँ पे आपको दिखाई पड़ती है। दूसरी बात है आपको शॉर्ट गन दिखाई पड़े, बहुत सारे वेरियंट है यार, 2 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं। अब हिमालय की अगर बात करते हो ना तो हिमालय एडवेंचर टूर बाइक में जाते हैं। इसकी नेविगेशन कैसे काम करते हैं ना, ये अपने जो डीलर साहब आपको समझाएंगे। सबसे पहले बड़ा था कैसे नेविगेशन पूरा काम करता है, क्या करना पड़ता है। रॉयल एनफील्ड का एक ऐप है, रॉयल एनफील्ड कहते हैं, इसको कनेक्ट करना है रॉयल एनफील्ड को। यहाँ पे जाके आपको ये वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे गाड़ी में। जैसे अपनी गाड़ी बंद कर दी, स्टार्ट कर दी गाड़ी, ये ऐप स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे नेविगेशन पे जाना है। दो टाइप के नेविगेशन है हमारे यहाँ, एक पेपर डैश नेविगेशन अवेलेबल है कंपनी की तरफ से, और ये एंड्रॉयड वाला जो अभी नया वाला आया हुआ है। तो यहाँ पे अभी ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे, जैसे आपकी गाड़ी अपना रेंज यहाँ पे है, टाइमिंग है, यहाँ पे कॉल जिसका भी आएगा यहाँ पे शो करेगा आपका। आपको जहाँ जाना है, अभी हमने यहाँ से मानो कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर सर्च कर दिया, जैसे हम यहाँ पे मतलब हर कोई चीज करने से पहले कनेक्ट करना पड़ता है रॉयल एनफील्ड को। हाँ, ये हो जाएगा जैसे आपने कनेक्ट मतलब ब्लूटूथ जैसा। हाँ, ब्लूटूथ जैसा। मतलब कभी कभी आप बाहर गए बाइक के बंद कर दी, अगर मतलब बाहर के बाद आपका ब्लूटूथ चालू होगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, मतलब ब्लूटूथ लॉक हो जाता है उसमें। ओके, यहाँ पे अपने नेविगेशन मतलब हॉटस्पॉट और वाईफाई की तरह नहीं है? नहीं नहीं नहीं। मतलब ये कैसे ले लेता है? स्क्रीन मिरर कैसे हो जाती है? स्क्रीन मिरर हो जाती है ये ऐप की तरफ से हो जाती है। ऐप की तरफ से, अच्छा। मतलब टाइम नहीं लेता वो, 1-2-3 सेकंड का या फिर ऐसा? हाँ, लेकिन नेट अच्छा होना चाहिए। हाँ, नेट। हाँ, ये देखिए। अब एक बात बताओ, जैसे कि मोबाइल अगर धूप, अभी आईफोन का तो नहीं होता क्वालिटी उतनी है, एंड्रॉइड के ना तपते हैं ना मोबाइल तो लैग हो जाता है, वैसे अटके रहते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं होगा, क्योंकि धूप में भी जाएगी बाइक? जाएगी। ये तो इसका कोई है ही नहीं, क्योंकि मैप पे चलता है। इसमें भी सिस्टम है, यहाँ पे सेंसर है, नेविगेशन हो जाता है। ओके, तो ये देखो, ये पूरा नेविगेशन हर कुछ सब कुछ जो वो डिटेल बताएगा, ये डिटेल कैसी है, कैसी चलती है, कॉल जिसका आया हुआ है ये बता देगा। यहाँ पे आप म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, सब कुछ जो सेट वगैरह सब कुछ कर सकते हो। ये रॉयल एनफील्ड हिमालय वगैरह यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। और जैसे ही इसके है ना, जैसे ही इसके है ना, वैसे ही सिमिलर जो है वो गरेला के अपडेट क्या कर रखा है? क्या अपडेट किसका? मतलब इससे ऐसे जो है वो नेविगेट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। ओके, ये पूरा ऑन करना पड़ता है, उसके बाद ये कनेक्ट करना पड़ता है सब कुछ। ये हिमालय पूरा पहले लोगो आ जाता है 1 सेकंड, और उसके बाद जो है कनेक्ट करना पड़ता है। भाई कितने सीसी है हिमालयन बता दो? 450 सीसी। सिमिलर वैसे ही जो है गरेला 450 सीसी पे जाते हो ना, तो इसे। लेकिन एक फायदा बड़ा क्या है पता है इसका, जो है वो थोड़ा पूरा ब्लैक नहीं आता इसमें। मतलब ये कुछ कुछ पार्ट ऐसे है सिल्वर ग्रे फिनिशिंग में और ब्लैक है, ये पूरा ब्लैक मिल जाता है आपको, मैट ब्लैक। उसमें फायदा है रस्टिंग नहीं होगी जब आप अगर मुंबई में रहते हो तो, है कि नहीं? कोल्हापुर का कोई सवाल ही नहीं है। और बात करते हो यहाँ पे, जैसे ही 100-350 में आते हो, ये थोड़ी सी छोटी है, लाइट होगी थोड़ी लाइट वेट है। हाँ, इससे लाइट वेट है, जिसकी हाइट कम है उसके लिए रॉयल एनफील्ड चाहिए इसकी। लेकिन बैठता हूँ ना मैं गाड़ी लेता, हाइटेड तो है बाइक, मानना पड़ेगा अगर बैठता हूँ ना। ये देख लो, हाइटेड तो है, रेट्रोइश बाइक है, मतलब रेट्रो और नेकेड बाइक, इसके बीच में रखा है इस बाइक को। सिमिलर इसके अगर ऐसा ही लेना, उस क्लस्टर तो नहीं मिलता, नहीं नहीं, क्योंकि उस साइज सेगमेंट में ऐसे भी हिमालयन में आता है। इस तरह से ऑन रोड कितने में हंटर दे देते हो? ये जो है वो हंटर जाती है 2,22,000 से स्टार्ट हो जाती है। 2 लाख इतने ऑन रोड उतर। एक शोरूम कितना है आपका? एक शोरूम इसका जाता है 180 लाख में आ जाता है, 1,80,000 रुपये में आ जाता है। इसमें अगर दूसरा कोई मॉडल होता है, ये डिजिटल डिस्प्ले नहीं है, सिमिलर वही डिस्प्ले है वाला। ये टॉप एंड वाला वेरिएंट है, ये टॉप मॉडल। अभी इसमें कितने वेरिएंट आते हैं? इसमें दो आते हैं, एक रेट्रो में आता है जो कॉक्स में आता है, और ये अलॉय में आता है। अलॉय में आता है,
और ये बात को तो ऐसे किसी भी तरह से सिक्स वे मॉडिफिकेशन करा सकते हो? हाँ, इसमें करा सकते हो। मतलब जैसे चाहे मर्जी, अगर आपको किट वगैरह डालना हो ये करना, मतलब उसके जो है वो बॉक्स आते हैं ना, वो वाले पैनियर बॉक्स आते हैं, बॉक्स का नाम आता है। और ये बात है, इसका भी एक मॉडिफिकेशन, ये क्यों कर रखा है मुझे बताओ, ये एडवेंचर टूर बाइक को ये गार्ड क्यों लगाते हैं? सेफ्टी के लिए गार्ड है, पत्थर गिर गई, कुछ हो गया तो डायरेक्टली टैंक। हाँ हाँ, मतलब गिर जाने के बाद ऐसे एरोडायनामिक्स कर रखा है कि कुछ बाइक को नहीं होगा, क्योंकि हमेशा गिरेगी ये बाइक, क्योंकि एडवेंचर टूर बाइक है। आपको लगता है ये बाइक एडवेंचर टूर सच में है? क्योंकि आपने चला रखी है मड़बड़ में, अगर जोर से 80-100 से स्पीड से अगर गड्ढे में, कोल्हापुर जैसे शहरों में अच्छे अच्छे गड्ढे में डालते हो, सस्पेंशन भी चेंज हो गया ना, अपसाइड डाउन बड़ा वाला सस्पेंशन डाल दिया। हाँ, मतलब सस्पेंशन मार खाएगा ही खाएगा इसका, क्योंकि पर्पज ही ऐसा है। अगर सस्पेंशन आपको जैसे जर्क बैठता है वैसे अपसेट करता है, ये ऊपर की तरफ खींचता है। और इसका सेट भी मैन्युअली कर सकते हैं कंपनी वाले? एडजस्ट करना एडजस्टेबल नहीं, फिक्स्ड है। लेकिन कुछ यूज के बाद अगर आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करते हो, इसी के लिए बनी है बाइक, हाँ। करते हो तो इंजन थोड़ा हीट हो जाए या फिर ये सस्पेंशन का आज के बाद काम आ जाए साल के बाद? इसका ऑयल रिप्लेसमेंट आता है जो मैंडेटरी है सर्विस शेड्यूल के हिसाब से। मतलब ऑयल रिप्लेस करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं, काम ही है उसका। मेजर गड्ढों में डालते हो वो ये होती है अनसेटल वगैरह होती है, इतना नहीं होती, और सस्पेंशन कोई भी प्रॉब्लम नहीं, उसका काम ही है। और गिर जाए तो एक अच्छा है यार, इतना हेडलैम्प को नहीं लगेगा। ये मुझे भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा यार डिस्प्ले। लेकिन मुझे एक रॉयल एनफील्ड ने ऐसा क्यों नहीं किया पता नहीं, शॉटगन जो है जो यहाँ पे बाइक आपको दे रखी है, ये देखो बाइक एग्जॉस्ट, देखो नोट सुना दो भाई, एक्सलेट कर दो, इस तरह से नोट आप देख सकते हो रॉयल एनफील्ड का। ये कलर का नाम कौन सा है, आरपीएम दिखता है इसका? इसको कार्बन फाइबर लगा दो ना तो काफी ज्यादा जबरदस्त। ये वाले दो इसके ऑप्शन है यहाँ पे, आप यहाँ से रियर एबीएस ऑफ कर सकते हो, जैसे आप ऑफ रोड में गाड़ी चला रहे हो तो रियर एबीएस ऑफ वाला है, एबीएस ऑन ऑफ कर सकते हो। इको में एबीएस ऑफ कर सकते हो, परफॉर्मेंस और स्पोर्ट्स पे भी है क्या? परफॉर्मेंस वाला है, मतलब स्पोर्ट्स, हाँ, जो हाईवे पे आप चला सकते हो परफॉर्मेंस, एबीएस ऑन हो रहा है, और जैसे ये बढ़ता जाएगा सेक्शन, मतलब इको से स्पोर्ट शिफ्ट हो जाएगा, माइलेज भी ड्रॉप होता जाएगा। अब जहाँ तक प्लेन रोड से ऑफ रोडिंग में चलाते हो ना, तो कौन सा मोड प्रेफर करोगे, कौन सा मोड ये लगाना चाहिए? परफॉर्मेंस में डालना है और एबीएस ऑफ करना है, जैसे स्कीटी रोड होगा, चिकल वगैरह सब होगा, मतलब इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आता नहीं क्या? मतलब वही एबीएस काम करेगा, एबीएस बंद हो जाएगा। अच्छा, मतलब इनबिल्ट तो ट्रैक्शन कंट्रोल होगा इसमें, बाकी ईबीडी नहीं मिलता इसमें, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सिस्टम। और शॉटगन में वही फीचर है? शॉटगन में नहीं है, उतने नहीं है, बस ये वाले और ये वाले गाड़ी में। लेकिन उसकी इंजन से सबसे ज्यादा तगड़ी है। ओके, ये था कुछ अपना जो है वो, अपना चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक्सपीरियंस एडवेंचर टूर बाइक हिमालया जो है वो कितने सीसी है भाई, सब बता दो। 450 सीसी यहाँ पे है, गरेला 450 सीसी वहाँ पे है, 650 सीसी शॉटगन, बहुत सारे जो है वो आपको जो है वो मेरे चैनल में सब अपडेट देखने मिलेंगे। व्हीकल रेट हो, क्रेटा, ह्यूंडई सेल्टोस, फोर व्हीलर हो, या फिर कोई भी गाड़ी हो, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू मिलेंगे, या फिर आपको ट्रैवल और ट्रिप लाइफस्टाइल व्हीकल रिलेटेड जो है वो स्पेक्स देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पे। नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। OMA007 चैनल को आया था, रॉयल एनफील्ड के शोरूम में दिखा दी मैंने सब कुछ जो है वो बाइक, कैसा लगा वीडियो जो है वो कमेंट करके जरूर बताया। दूसरी बात है, ये पूरा का पूरा जो है ना हिमालयन का क्लस्टर वर्क कैसे करता है ना, वो भाई साहब ने बिल्कुल अच्छा बता दिया। थैंक यू भाई साहब हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।